दोस्तों आपको पता होगा कि ई श्रम कार्ड अपडेट हो रहा है तो वो फ्री में हो रहा है, लेकिन अभी जो गाँव में चल रहा है, जोरों से काम चल रहा है, जिनका पीएफ कट रहा है उनको तो पैसा मिलने वाला है ही नहीं। उनको पहले ही बता दिया, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ई श्रम कार्ड के लिए तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका पीएफ कटता है या नहीं। तो आप नो लिखता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं, लेकिन आपका पीएफ कटता होता है फिर भी आपने बनवा लिया है तो इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। हो सकता है कि आने वाला दिनों में आपको पीएफ निकालने में भी दिक्कत हो, इसीलिए उनको तो बेनिफिट मिलने वाला है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, गलती से आपने बना लिया तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपका सही है फिर भी पैसा नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है। तो आप इस तरह से आप अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये जो अभी ठग का काम चल रहा है, जो 20 रुपया दे के अपना ई श्रम कार्ड अपडेट करवाए, जब ये फ्री में अपडेट हो रहा है तो हम 20 रुपया क्यों दें? तो आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कि अपने मोबाइल से घर बैठे फ्री में कैसे अपडेट कर पाएंगे अपने अकाउंट नंबर चेंज, नाम चेंज, कुछ भी आपको अगर कलेक्शन करना है, अपडेट करना है अपने ई श्रम कार्ड में, तो हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों तो आपको ई श्रम कार्ड के पोर्टल पे आ जाना है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे खोल रखा हूँ कि ई श्रम कार्ड, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन, तो आपको इसी वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल लिखा हुआ है, तो सिंपली से आपको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा है, उस कैप्चा को इस बॉक्स में भर देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में आपको भर देना है और यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही इस नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और इस कैप्चा को इस बॉक्स में भर के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के तरफ से, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, उस मैसेज में आपको ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको इसमें डाल के वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे नाम जो होगा यहाँ पे होगा, लेकिन थोड़ा सा हाइड होगा, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, जनरल आपको दिखेगा। सिंपली से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर जूम करके दिखा दूँ, अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन, आपको इसी पे क्लिक करना है। यहाँ से 2 ऑप्शन खुल के आया, पहला तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यूएन कार्ड आपने जो बनवा रखा है पहले से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा है अपडेट प्रोफाइल। तो आपको अपडेट करना है तो सिंपली से इसी पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से कई सारे ऑप्शन खुल के आया है जिसमें आप क्या अपडेट करना चाहते हैं। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं, या फिर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, या अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। स्किल के बारे में, जो काम आपको आता है या काम सीखना चाहते हैं उसके बारे में अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। और सिंपली से यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करना है तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक पॉपअप खुल के आएगा ऊपर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यस पे क्लिक करना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारा डिटेल आपका खुल के आ गया है, बैंक अकाउंट डिटेल है, तो यहाँ पे आपको नो है, नो दिख रहा है, यानी कि बैंक आधार सेंडिंग या नो है। अगर ये नो है तो आपको पेमेंट मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर ये यस होगा तो आप इजीली इसी अकाउंट में आपका पैसा आएगा, यानी कि ये आधार कार्ड से आपका अकाउंट लिंक नहीं है। तो सेंडिंग का मतलब होता है कि आधार कार्ड से कोई भी पैसा भेजेगा तो आपके इस अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि इस अकाउंट का आपके आधार के कार्ड से लिंक नहीं है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर चेंज करना चाहते हैं तो इसे कट करके, यानी आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इसको कट करके नया अकाउंट डालना है, वही सेम अकाउंट आपको नीचे में फिल करना है, नाम आपका वही है तो वही रहेगा, और यहाँ पे आईएफएससी कोड आपको चेंज करना ज़रूरी है। जो नया अकाउंट आप डाल रहे हो उसका आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, और डालने के बाद में यहाँ पे सर्च पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ब्रांच ब्रांच कोड यहाँ पे लिख के आ जाएगा,
और ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे अपडेट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उससे पूछा जा रहा है प्लीज कंटिन्यू टू अपडेट, आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान और इजी तरीका था और ये फ्री में था, 20 रुपया 30 रुपया देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने घर बैठे अपने मोबाइल से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम, जय हिंद।